Assalamualaikum everyone. My name is Amna Bibi. My roll number is 18204, and I'm from DSCS 7th morning. My project name is Attendance Management System. Attendance Management System को हम देखेंगे Android Studio में. इस project के लिए सबसे पहले मैंने एक supply screen create की है. मेन एक्टिविटी मेन में सप्लाई स्क्रीन क्रिएट की है. उसकी अगर हम एग्जामल फाइल देखें, एग्जामल फाइल का स्ट्रक्चर देखें, तो जो लेआउट यूज़ किया है यहाँ पे मैंने वो लीनियर लेआउट है. एक इमेज व्यू यूज़ किया और एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया. जावा फाइल में सबसे पहले इंपोर्ट की लाइब्रेरीज. मेन एक्टिविटी में ऑन क्रिएट में एक मेथड यूज़ किया पोस्ट डिले. पब्लिक वॉइड रन मेथड में इंटेंट जो है वो क्रिएट किया. इंटेंट जो है वो हमें करंट एक्टिविटी से नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव करवाता है. करंट एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी जहाँ पे मैं ये काम परफॉर्म करवा रही हूँ, और मैंने जाना लॉगिन में. इंटेंट हमें ले जाएगा मेन एक्टिविटी से लॉगिन एक्टिविटी में. हेयर आई यूज डिले मिली सेकेंड्स 1000 मिली सेकेंड्स के बाद सप्लाई स्क्रीन जो है वो मूव करवा देगी लॉगिन स्क्रीन पे. अब देखते हैं कि लॉगिन स्क्रीन में क्या है. लॉगिन स्क्रीन की एग्जामल फाइल ओपन की, इसके स्ट्रक्चर में देखिए तो यहाँ पे जो मैंने लेआउट यूज़ किया है वो लीनियर लेआउट है. दो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट यूज़ किए हैं और एक बटन यूज़ किया. फर्स्ट एडिट टेक्स्ट में अगर देखें जो आईडी है वो ED1 है. इसकी विड्थ हाइट और मार्जिन वगैरह सेट किया है. उसके बाद जो हिंट है वो यूज़र नेम है. अगर एडिट टेक्स्ट 2 देखें तो इसकी आईडी है ED2 और जो हिंट है वो है पासवर्ड, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि इस एडिट टेक्स्ट में उसने पासवर्ड एंटर करवाना है. विड्थ हाइट और टेक्स्ट कलर साइज मार्जिन वगैरह सारा सब जो है वो एडिट टेक्स्ट 1 की तरह सेट किया है. अगर हम लास्ट थिंग इसकी देखें बटन, तो बटन की जो आईडी है वो BTN1 है. विड्थ हाइट और ये इसका सेट किया है. उसके बाद जो टेक्स्ट शो करवाया है वो है लॉगिन. अगर इसकी जावा फाइल देखें तो जावा फाइल में सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई है. लॉगिन क्लास में SQL लाइट डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है वो DB और एडिट टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ED1 एंड ED2 शो करवाया. ऑन प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट में देखें तो इसकी जो ये 3 लाइंस हैं ये हमने यहाँ पे यूज़ की हैं कि ये जो वाईफाई और चार्जिंग का साइन है वो शो नहीं होगा. जो हमारी एक्टिविटी है वो फुल स्क्रीन पे शो होगी. ED1 एंड ED2 जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे उनको हमने फाइंड व्यू बाय आईडी करवा दिया. उसके बाद यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा रजिस्ट्रेशन. डेटाबेस SQL में जो आईडी नेम और पासवर्ड है उसकी जो डाटा टाइप है वो रखी वर्चर, एंड उसकी जो लेंथ है वो 30 रखी. फाइंड व्यू बाय आईडी करवा दिया. ऑन क्लिक में ED1 जो है वो गेट करेगा वैल्यू को और उसको स्टोर करवा देगा नेम में. ED2 जो है वो वैल्यू को गेट करके उसको स्टोर करवा देगा पासवर्ड में. यहाँ पे हमने एक कंडीशन यूज़ की इफ़ की. इफ़ नेम इज इक्वल्स टू नल, अगर जो नेम है वो नल होगा तो हमें एक एरर शो करवा देगा दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड. अगर जो पासवर्ड है वो नल होगा तो हमें एक एरर शो करवा देगा दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड. एल्स डेटाबेस जो है, अगर हम डेटाबेस की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल कर देंगे, वहाँ पे नेम एंड पासवर्ड दोनों एंटर करवा देंगे तो वो हमें मैसेज शो करवा देगा अकाउंट क्रिएटेड. क्लियर TXT. और उसके बाद हमने यहाँ पे फिर एक इंटेंट यूज़ किया जो हमें लॉगिन क्लास, जो कि ये करंट क्लास है, उसे हमें मेन एक्टिविटी 2 में मूव करवा देगा. उसके बाद फिनिश. अब देखते हैं कि मेन एक्टिविटी 2 में क्या है. मेन एक्टिविटी 2 की अगर XML फाइल ओपन करें, इसके स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया स्क्रोल व्यू. लेआउट यूज़ किया है रिलेटिव लेआउट. एक इमेज व्यू यूज़ किया है, एक टेक्स्ट व्यू.
इमेज व्यू में आप देख लेते हैं क्या इमेज व्यू की जो आईडी है वो IMJ2 है, और टेक्स्ट व्यू की जो आईडी है वो THT1 है। यहाँ पे मैंने 6 कार्ड व्यू यूज़ किए हैं। फर्स्ट कार्ड व्यू अगर देखें तो उसकी जो आईडी है वो CRD1 है। विड्थ हाइट मार्जिन वगैरह सेट की है। उसके बाद अगर कार्ड व्यू 2 देखें तो उसकी आईडी CRD2 है और बाकी सारा एज इट इज़, बाकी सारा वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट कार्ड व्यू यूज़ किया। अगर हम थर्ड कार्ड व्यू देखें तो उसकी आईडी है CRD3 और बाकी मार्जिन हाइट हाइट विड्थ तो सारी कार्ड व्यू 1 एंड कार्ड व्यू 2 की तरह। अब कार्ड व्यू 4 भी ऐसे ही है, इसकी सिर्फ आईडी चेंज किया। आगे कार्ड व्यू 6 भी वैसे ही है, इसकी सिर्फ हमने जो है वो आईडी चेंज की है। अगर हम इसकी देखें मेन जावा की क्लास, तो सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं। उसके बाद मेन एक्टिविटी 2 में टेक्स्ट व्यू के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, TXT2, TXT3, TXT4, TXT6, 5, 6 एंड TXT7 के नेम से। ऑन क्रिएट में ये तमाम ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर ऊपर ये जो ऊपर क्रिएट किए ऑब्जेक्ट उनको हमने फाइंड व्यू बाय आईडी करवा दिया। अब अगर TXT5 देखें तो यहाँ पे मैंने सेट किया है ऑन क्लिक लिसनर का मेथड, और इसमें एक इंटेंट लगाया है जो हमें मेन एक्टिविटी 2 से अटेंडेंस एक्टिविटी में ले जाएगा। एक्टिविटी 6 देखें तो इसमें भी मैंने सेट किया ऑन क्लिक लिसनर को, और यहाँ पे एक इंटेंट लगाया जो मेन एक्टिविटी 2 से अटेंडेंस क्लास में ले जाएगा। एक्टिविटी TXT5, TXT4, TXT3 एंड लास्ट वन इज़ TXT2, इन सब में हमने वही काम किया जो TXT7 में किया है, सेट किया है ऑन क्लिक लिसनर को और यहाँ पे एक इंटेंट लगाया है मेन एक्टिविटी से हमें ले जाएगा अटेंडेंस एक्टिविटी में। अब हम देख लेते हैं कि अटेंडेंस एक्टिविटी क्या है। अटेंडेंस एक्टिविटी की XML की फाइल ओपन करके इसके स्ट्रक्चर में जाएँ तो यहाँ पर मैंने स्क्रोल व्यू लगाया, लेआउट यूज़ किया लीनियर, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, 3 यहाँ पे एडिट टेक्स्ट हैं और एक प्रोग्रेस बार और 2 बटन है। टेक्स्ट व्यू में देखें तो टेक्स्ट व्यू, ये टेक्स्ट व्यू है हमारे पास। एडिट टेक्स्ट देखें तो ये एक एडिट टेक्स्ट, फर्स्ट एडिट टेक्स्ट है जिसकी आईडी है ED5 और यहाँ पे जो हिंट है वो एंटर नेम है। सेकेंड एडिट टेक्स्ट देखें तो इसकी जो आईडी है वो 6 है और यहाँ पे हिंट जो है वो है एंटर रजिस्ट्रेशन। थर्ड वन टेक्स्ट व्यू देखें तो उसकी आईडी है ED7 एंड हिंट है एंटर रोल नंबर। प्रोग्रेस बार यहाँ पे यूज़ किया है जिसकी आईडी है प्रोग्रेस बार। बटन 1 यूज़ किया है जिसकी आईडी है BTN1 और यहाँ पे जो टेक्स्ट शो करवाया है वो सबमिट है। बटन 2 देखें तो उसकी आईडी है BTN2 और यहाँ पे जो मैसेज शो करवाया है टेक्स्ट शो करवाया है वो चेक अटेंडेंस है। अगर हम इसकी जावा फाइल देखें तो सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई हैं, BTN1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, BTN बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है BTN1 एंड BTN2, एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ED5 एंड ED6, प्राइवेट इंट करंट प्रोग्रेस जो है उसको हमने डाटा टाइप शो कराई है इंट, और यहाँ पे 0 जो है वो हमने इनिशियलाइज करा दिया है करंट प्रोग्रेस से। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोटेक्टेड वॉइड, ऑन क्रिएट में अगर देखें तो BTN1, 2, 5, ED5, ED6, ED7 इन और प्रोग्रेस बार को हमने करवा दिया फाइंड व्यू बाय आईडी। अगर हम BTN2 देखें तो यहाँ पे मैंने सेट किया है ऑन क्लिक लिसनर को और यहाँ पे एक इंटेंट लगाया है जो अटेंडेंस क्लास से चेक क्लास में ले जाएगा। अगर हम BTN1 देखें तो BTN1 में भी मैंने सेट किया है ऑन क्लिक लिसनर को और इसकी जो ऑन क्लिक लिसनर को सेट किया और यहाँ पे करंट प्रोग्रेस जो है वो करंट प्रोग्रेस जो है प्लस करा दिया 90 को। यहाँ पे एक मैंने टोस्ट लगाया जो हमें मैसेज शो करवा देगा सबमिट सक्सेसफुली का। अब लास्ट वन जो एक्टिविटी है वो चेक क्लास है। चेक क्लास के अगर हम XML फाइल में जाएं, उसके स्ट्रक्चर में जाएं तो यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज़ किया, 2 एडिट टेक्स्ट यूज़ किए हैं। फर्स्ट एडिट टेक्स्ट की जो आईडी है ED5 है और जो मैसेज शो करवाया है वो एंटर डेट है। सेकंड एडिट टेक्स्ट की जो आईडी है वो ED6 है और जो मैसेज शो करवाया है वो है एंटर रोल नंबर। यहाँ पे एक बटन यूज़ किया है, बटन की आईडी मैंने यूज़ किया है यहाँ पे BTN1 और यहाँ पे
जो टेक्स्ट है वो शो करवाया है चेक अटेंडेंस का। अब चेक अटेंडेंस की जो जावा फाइल है वो देख लें। अच्छा इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, मेन जावा से चेक की जो, अच्छा ये इसकी जावा फाइल है। इसमें सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी है। पब्लिक क्लास चेक में btn बटन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया है btn1। ऑन क्रिएट का मेथड यूज़ किया है, btn1 को फाइंड व्यू बाय id करवा दिया है। btn1 पे ऑन क्लिक लिसनर सेट किया है और यहाँ पे एक टोस्ट शो करवा दिया है जो शो करवा देगा एबसेंट। टोस्ट जो हमें छोटा सा मैसेज शो करवा देगा अटेंडेंस। अब अगर हम इसकी आउटपुट देख लें, अगर इसकी आउटपुट देखें तो सबसे पहले मैंने बनाई है सप्लाई स्क्रीन। ये सप्लाई स्क्रीन की आउटपुट है और नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमने क्रिएट की है वो लॉगिन है। ये लॉगिन की आउटपुट है। यहाँ पे जो यूज़र है वो अपना नेम और रोल नंबर एंटर करेगा तो लॉगिन हो जाएगा और डेटाबेस पे स्टोर हो जाएगा। थर्ड एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी में सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। जिसकी वो अटेंडेंस लगाना चाहेगा वो उसमें एंटर हो जाएगा। एक्टिविटी अटेंडेंस है। नेम अटेंडेंस में नेम एंटर करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट एंटर करेगा और सबमिट करवा देगा। लास्ट वन जो एक्टिविटी है वो चेक अटेंडेंस है। चेक अटेंडेंस जब करना होगा तो वो डेट एंटर करेगा, रोल नंबर एंटर करेगा, चेक अटेंडेंस कर लेगा और यहाँ पे टोस्ट जो है वो मैसेज शो करवा देगा एब्सेंट। लास्ट थिंग ऑफ माई प्रोजेक्ट इज सेकेंड लास्ट थिंग ऑफ माई प्रोजेक्ट इज डेटाबेस। अब ये देखें डेटाबेस में जितनी भी एंट्रीज जो हैं वो एंटर करवाई हैं, जितनी भी एंट्रीज हुई हैं वो सब यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो गई हैं। लास्ट वन इज यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम में एक जो यूज़र है वो स्टूडेंट है, एडमन है एंड टीचर है। स्टूडेंट जो है वो इंटरकनेक्ट करेगा लॉगिन के साथ, व्यू अटेंडेंस के साथ और लास्ट वन इज़ मैनेज लीव के साथ। और जो एडमन है वो इंटरकनेक्ट करेगा लॉगिन के साथ, ऐड सब्जेक्ट के साथ, ऐड स्टाफ के साथ एंड लास्ट वन इज़ व्यू अटेंडेंस के साथ। स्टाफ जो है वो इंटरकनेक्ट करेगा स्टूडेंट के साथ, लॉगिन के साथ, एड अटेंडेंस के साथ और मैनेज लीव के साथ। और ये थी मेरी लास्ट एक्टिविटी। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम अपनी ऐप का आइकन देखें अटेंडेंस। सबसे पहले ये इसकी सप्लाई स्क्रीन है, ये मूव हो गई नेक्स्ट एक्टिविटी पे जिसका नाम है लॉगिन। यहाँ पे एक यूज़र को लॉगिन करवाया आमिना और यहाँ पे उसका पासवर्ड लिख देते हैं NA, लास्ट टू वर्ड्स ऑफ आर नेम 5510। ये लॉगिन हो गया, टोस्ट शो करवा दिया, अकाउंट क्रिएटेड। और यहाँ पे हम अटेंडेंस लगाना चाह रहे हैं मैथ्स की, तो यहाँ पे नेम एंटर करवाना होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे 1824 उसका रोल नंबर और यहाँ पे सबमिट करवाएंगे तो यहाँ पे जो है टोस्ट शो करवा देगा सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर हम अटेंडेंस चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डेट एंटर करेंगे और यहाँ पे रोल नंबर, रैंडम सा कोई भी रोल नंबर ऐड कर दें तो ये टोस्ट शो करवा देगा एब्सेंट।